फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेइंग दैट आई विल गेट अ फर्स्ट प्राइज इन इंडियन आइडल आई एम टू टूडे आई एम चैलेंज दैट। अरे कहना क्या चाहते हो? आला नहीं क्या अल्लाह, क्या मतलब क्या अल्लाह, ये कौन सा राग था? आला आला चमाइला, क्या गंदा इसने गायला। मैंने भी वैसे है गंदा ही गाया है। पर मैं पहले बोला था, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओहो हो हो, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आते ही मक्खन लगाना शुरू कर दिया। अच्छा इस मक्खन लगाने की एक वजह है, जरा सुनो क्या वजह है। सिंगिंग के साथ डांस भी करते हैं, इंटरेस्ट आपको क्या पता फिल्म में ले लेके। अच्छा कितने फखर से कह रहा है कि आंटी ही मैं गाते गाते मुजरा भी कर लेता हूँ। और ये इसलिए कह रहा है कि ये फिल्मों में जाना चाहता है। अच्छा जरा दिखाओ तो सही तुम्हारे अंदर क्या है फिल्मों वाला। नैनो का निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाई धाए 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 धाए। अरे तुमने क्या करना जाके फिल्मों में, तुम तो खुद बहुत बड़ी फिल्म हो। अब जरा इत्र गिरा। इस तरह के खुसरे मोहल्ले के हर फंक्शन पे पहुंचे होते हैं और वहां पे फ्री मुजरा करते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या सुर पकड़ता है ये, ऐसा सुर पकड़ता है कि सुर इसके गले में ही फंस जाता है। जितना ये जोर लगा के गा रहा ना, इसकी तो पैंट को खतरा है, बूथे से ये लाल तो हो ही रहा है, पैंट से पीला भी हो जाएगा। और अगर एक दो मिनट मजीद इसी तरह गाता रहा ना, तो इसके जिस्म की कोई नस फट जानी है या फिर इसकी आवाज हमारे कान फाड़ देगी। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा। अच्छा कितनी तसल्ली के साथ आंखें बंद करके गा रहा है, लुत्फो अल्ताफ लेके गा रहा है और बीच बीच में आंखें थोड़ी थोड़ी खोल के देखता भी है कि मैं ऑडियंस की तरह जजेस को भी इरिटेट कर रहा हूँ कि नहीं। माय सॉन्ग कोरे कोरे का। अच्छा हाँ, और ये इसी गलतफहमी में गाया जा रहा है कि जजेस को पसंद आ रहा है। अब हे उसने कहा है नाइस सॉन्ग नॉट नाइस वॉइस। नाम इश्क तेरा, नाम इश्क मेरा, नाम इश्क तेरा, नाम इश्क मेरा, नाम तेरा, नाम मेरा, नाम आए आए। ओए भाई क्या बात है, क्या अलग राग निकाला है, ऊपर से राग को नीचे लाया है, नीचे से फिर आहिस्तगी से पकड़ा है और फिर आहिस्तगी से पकड़ के छोड़ा नहीं तबाह कर दिया। ये वाला वापस गा। क्या क्या फटा है तुम्हारी आवाज में? ये है। अच्छा आगे से शर्मिंदा नहीं हो रहा बल्कि दोबारा गा रहा है, उन्होंने कहा है बोलो, दोबारा शुरू हो गया। अब है छैनी के ऊपर वाले हिस्से जैसे आदमी समझने की कोशिश करो, उन्हें नहीं पसंद आया, तंजिया कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा दोबारा गाओ। और जनाब को देखो बेफिक्र बेशर्म बन के दोबारा शुरू हो गए। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, गट ही बना लो रोशनी से नूर के। भाई देखो इस तरह का राग सुनने के बाद अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, चलो इकट्ठे गूगल पे लिखते हैं हाउ टू सुसाइड इजीली। अरे आहिस्ता बोलो आहिस्ता, एक लफ्ज भी अगर तुमने बोला तेरा गला किसे नहीं रहना जो होगा पड़ जाएगा स्कूल से। बोलो नीदा मा मग सनी धनी सगमा। शाबाश।
सुन लिया, अच्छा लगा? अगर नहीं अच्छा लगा तो अब भी वो सुसाइड वाला ऑप्शन है। पता नहीं इस तरह के लोग आते कहाँ से हैं, किसी बहरों के मोहल्ले से आते हैं जहाँ पे इनकी आवाज कोई सुनता ही नहीं, या इन्होंने अपनी आवाज किसी को सुनाई नहीं। कहाँ से आते हो? जंगलों की खुडों से निकल के आते हो जहाँ पे किसी ने आपकी पहले आवाज सुनी नहीं। इस तरह के फंटेस्टिक आवाजों वाले सिंगर्स को कोई रोकता नहीं, सीधे ही आके इंडियन आइडल के स्टेज पे गाना शुरू कर देते हैं। मैंने इन वीडियोस के नीचे एक कमेंट पढ़ा था, इन सबको कुछ पैसे दे के यहाँ बुलाया जाता है जिससे शो में कॉमेडी और शो की टीआरपी बढ़ती है। यार वो बात तो ठीक है, लेकिन ये लोग पैसे लेके अपनी हमेशगी वाली बिस्ती करवा लेते हैं। खैर हमें क्या, हमें तो इसी तरह की मखलूकात चाहिए, इन्हीं की वजह से तो हमारी वीडियोस बनती हैं और चलती हैं शायद थोड़ी बहुत। वीडियो तो ये काफी पुरानी है लेकिन 15,000 लाइक्स का टारगेट रखने लगा हूं। अगर पूरा हो गया तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो लाइक करना मत भूलिए। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलता हूं यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।